राम राम दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि धान की बिजाई हुई है और भैंस को हमने जो है आगे कियास करवाई है, तो धान की कटाई हुई है, सॉरी। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कल जो है धान हमारी शाम को कंपेन चली है, और ये जो हमने सुपर सीडर लगवाया था उसमें खास सफाई नहीं आई है दोस्तों। आस पड़ोस में मैंने देखा कि उनके सुपर सीडर में बड़ी अच्छी सफाई आ रखी है, लेकिन हमारे वाले में कुछ खास आई नहीं है। देख रहे हो आप, पराली ऐसी कैसी दिख रही है इसके अंदर, यूँ की यूँ। ये देखो, हो सकता है हर सुपर सीडर में कुछ ना कुछ फर्क होते हैं। किसी ने मेरे को बताया भी है कि जो सुपर सीडर उन्होंने चलवाया था वो अलग है, ये वाला अलग है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। बाकी एक बार पानी लगेगा इसके अंदर तो ये सारी पराली जो है अपने आप ही गल जाएगी इसके अंदर भाई। और ये हमारे धान कटे हैं भाई कल शाम को, यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारे धान कट गए। तो एक दो दिन के अंदर इस पराली को ठिकाने लगा करके दोस्तों इसके अंदर भी गेहूं की बिजाई कर देंगे। यहाँ पे जो लेबर ने काटी थी ना भाई, जो लेबर छोड़ के चली गई थी धान को, तो यहाँ कम्पेन खड़ी करके उस कम्पेन में ब्लेड में डाल दिया था। देखो चूहों ने क्या हाल कर रखा है, जगह जगह मोगे खोद रखे हैं। चूहा खोदते तो अपने लिए है, लेकिन बसेरा उसमें सांप कर लेता है। ये हमारी बरसीन है दोस्तों, आज देखते हैं कि बरसीन को काटने का वक्त है या नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। आज पता क्या है कि आज हम लोग जो धान काटे थे हमने, आज सोमवार है तो आज मंडी लगी हुई है। इन धानों की बोली जो है वो मंडे टू मंडे ही लगती है। तो धान गए हुए हैं, सुबह 6 बजे चले गए थे पापा लेकर के, तो मैं अभी जाऊंगा मंडी में, तो वहीं से जो है दिखाएंगे आपको मंडी का सूरत हाल कैसा है, मंडी का माहौल। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ रहती है, इसलिए सवेरे सवेरे वहाँ पे धान लेके पहुँचना पड़ता है ताकि जगह मिल जाए। कई बार धान लेने में जगह ही नहीं मिलती, ट्राली पूरा पूरा दिन वहाँ पे खड़ी रहती है। मौसम देखो, ठंड का अपना ही एक मज़ा है दोस्तों। पत्ते झड़ गए और नहीं जड़े होंगे तो धूप के चक्कर में लोग झाड़ देंगे, टाँड़ियाँ काट देंगे। मंडी आया हूँ दोस्तों। एक तो पापा का खाना लेके आ गया मैं, और साथ में कुछ ये बोरी और ये ना पल्ली लेके आया हूँ, क्योंकि अपने जो धान सामने पंखा चल रहा है, पापा भी आ रहे हैं उधर से, तो अपने जो धान दोस्तों वो पंखा लग रहा है ना, उसको जो भी मतलब भूसा वगैरह बचेगा ना, इसका जो झाड़ बचता है, जार जो बचता है, उसको लेकर के जाएंगे घर पे। अगर यहाँ पे किसी ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको घर पे लेके जाएंगे। उधर देखो, उधर वो जो है ये सामने, ये अपने धान है, ये इधर ये वाले नहीं है, इसके आगे है, मशीन के आगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं अभी बाहर निकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा, आप देखना बाहर निकल के। मैं भी इतनी जबरदस्त भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है मंडी के अंदर, इतनी जबरदस्त भीड़ है। मंडी के हाल देख लो भाई, ये अपने धानों में पंखा लगा हुआ है, ये अपने धान पड़े हैं इधर। वो जो सामने, उनके सामने जो डेयरी है ये भी अपनी है, इसके सामने जो ये वाली है। और बाकी हाल देखो, कहीं जगह है ही नहीं बिल्कुल एकदम। यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी खड़ी करी है। 15 मिनट घूमता रहा हूँ मैं गाड़ी को लेकर के। ये देखो धान की मंडी, जा रहा हूँ दोस्तों मंडी से, मैं आ गया हूँ वहाँ पे। धान की जो जार वगैरह होती है वो लग गई, और तुलाई में टाइम लगेगा, तो पापा रुके हुए हैं वहाँ पे, जब लेट आएंगे पापा तो वहाँ से। और ये देखो साथ में, यहाँ आस पास में सब जगह धान लग गए, वेलियो धान कह रहा हूँ, सॉरी, अपने कणक लग गई है हर जगह। सब ने गए कणकों की बिजाई, पूरी दुनिया, पूरा हरियाणा आज की डेट में जो है ना, सिर्फ धानों की कटाई और मंडी इन्हीं में बिजी है। गेहूं की बिजाई इन सब में बिजी है, सब ने काट काट के। देखो परालियां यार रोड के किनारों पे रखी हुई हैं, साइडों में दिख रही है आपको, ये साइडों में रख रही है सब ने। किसी ने पट्टे लगा रखे हैं, दूर दूर तक तो हरियाली है। एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा
बल्कि एक महीना मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, ज़्यादा ज़्यादा 20 दिन। 20 दिन के अंदर चारों तरफ इतनी हरियाली हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कि घास के मैदान है ये। सूरज भी आजकल जल्दी डूब जाता है दोस्तों, दिन का पता ही नहीं चलता सर कब दिन जो है पूरा का पूरा ऐसे निकल जाता है। एक काम में अगर लग जाओगे ना, सर्दियों के दिन ऐसे हैं, अगर आप एक काम में लग गए ना तो दिन पूरा का पूरा शाबाश खत्म हो जाता है। देखो इधर कुछ जमीनों में अभी बुआई हुई है, कई जगह बिजाई हो गई है। ये सामने खड़े हैं मेरे वीरू चाचा, ये इधर आएंगे अभी, पीछे गए हैं, मोबाइल नीचे हो गया, मैं उनको दिखाई नहीं पाया भाई आप लोगों को। घर आ गया था दोस्तों मैं, तो भैंस भी ठीक है अभी फिलहाल, सही खड़ी है, चल रही है। अभी इसको पानी वानी पिला के नीरेंगे दोस्तों। यहाँ पे हरा पड़ा है, लाइट में दिख नहीं रहा होगा, अच्छा अंधेरे में ग्यारह काट के रखा हुआ है, उधर भी पड़ा है, उधर क्यारी में काट के भी रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जब तक मतलब पशु को करवाया है, नई आस करवाई है जैसे, तो आधा भूखा रखना पड़ता है कुछ दिन तक इसको, 4-5 दिन 7 दिन हफ्ता मान के चलो, तो इसलिए इसको कम चरा रहे हैं, ठीक है, ताकि इसको परेशानी ना हो कोई आगे। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।